हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल लर्न विद संध्या स्टक्षिवी। फ्रेंड्स, हमने पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4th किया था, आज इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5th करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5th में क्या कह रहा है, देखिए, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ये एक्सप्रेशंस आपको दे रखी हैं, आपको इनको फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, को उस तरह से करना है, ठीक है, उसी टाइप से करना है, जिसमें हमें क्या करना होगा, ये जो 6p है इसको और दो बार इसको खोलना होगा, यानी तीन टर्म से हमें इसको चार टर्म बनाना होगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताऊंगी क्या करना है। तो अब इसमें जो पी का स्क्वायर दिया हुआ है इसको हम एज इट इज़ ही लिखेंगे, ठीक है, पी का स्क्वायर। और ये जो 8 है इसको भी हम एज इट इज़ ही लिखेंगे, ठीक है, प्लस 8 है इसको भी हम ऐसे ही लिखेंगे। अब देखिए हमें क्या करना है, अब ये 6p जो दिया हुआ है ना, इसी को हम यहाँ पे, अब हमें इसके दो टर्म लाना है यहाँ पे, कोई कैसे कर लाना है, देखिए। अब ये जो लास्ट वाला टर्म है आपका 8, अब क्या है, ये पहला क्या है, इसके आगे क्या होगा, 1 ही होगा, ठीक है, 1 × 8 ये होगा। तो जब 8 का हम फैक्टर निकालें तो क्या आएगा, 2 × 4 = 2, 2 × 2 = 1, ठीक है। तो ये इसके फैक्टर हैं 8 के। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमारे पास कोई एक नंबर होगा, ठीक है, उससे आपका क्या आएगा, 8 आएगा, ठीक। फिर वो जो फैक्टर आएंगे इसके, जिससे वो 8 आएगा, उसी से हमें प्लस करके देखना है कि वो हमारा 6p आ जाए, ठीक है, 6p आ जाए। तो कैसे आएगा हमारा 6p, अब ये देखिए, ये हमारे पास के फैक्टर 8 के, तो 2 × 2 = 4 हो गया, 4 × 2 = 8, ठीक है, 2 × 2 = 4 हो गया और यहाँ 2 बच रहा है, तो यानी 4 × 2 = 8 आ गया। अब हमें ये करना है कि हमारा 6 आ जाए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो हमारा 6 आ जाएगा, तो इसी को हम करेंगे जब हम 4p और ये आपका 2p, तो आपका आ जाएगा, जब हम इसको प्लस करें तो आ जाएगा 4 × 2 = 6 और ये p, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या फिल होगा, प्लस 4p फिर प्लस 2p, ठीक है, दोनों हमारा फिल हो गया। अब सॉल्व करते हैं, अब इसमें हम क्या, अब हमारे पास ये चार टर्म है, तो इसको हम क्या करेंगे, दो दो का पेयरिंग करके फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसमें देखिए हमारे पास कॉमन क्या है, अब ये एक पी बच रहा है, यहाँ पी लिया हमने, क्योंकि यहाँ पे भी पी है और यहाँ पे भी पी है, तो पी को हमने कॉमन ले लिया, बाकी जो इसको लिखते हैं, अब इस वाले से तो हमारे पास 2p था, तो 1p हमने बाहर निकाल दिया, तो 1p हमारे पास बचा, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास केवल 1p था, तो वो भी हमने इसको कॉमन ले लिया, हमारे पास केवल 4 बचा, यानी p+4, ठीक है, ये आ गया। अब दूसरा वाला ब्रैकेट देखिए, अब ये प्लस है तो प्लस, ठीक। अब यहाँ क्या है, अब यहाँ पे तो हमें कोई कॉमन नहीं दिख रहा है, तो क्या देखिए, 8 का फैक्टर क्या होता है, 2 × 4 होता है, 2 × 4 = 8, और 1 के फैक्टर क्या होता है, 1 और 2, तो इसमें 2 जो है वो कॉमन है, तो क्या करेंगे, हम 2 को कॉमन ले लेंगे, और इस वाली टर्म से हमारे पास क्या बच रहा है, पी बच रहा है केवल, ठीक है, पी बचा प्लस, और इस वाली टर्म से हमारा क्या बचा, 2 तो हमने कॉमन में ले लिया, केवल 4 बचा, तो यानी p+4। तो इसमें मैंने आपको बताया क्या था, ये जो दोनों ब्रैकेट आते हैं वो दोनों सेम आते हैं, तभी आपका आंसर सही होता है, तो यानी हमारे ये दोनों सेम आ रहे हैं, तो ये हमारा आंसर सही है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, p+4 को कॉमन ले लेंगे हम, बाकी जो बच रहा है ये p और ये +2, इसको ऐसे लिखेंगे, बस ये आपका आ गया आंसर। बहुत ईजी है ये क्वेश्चन, ठीक। अब आते हैं अपने सेकेंड वाले पार्ट में, सेकेंड वाला पार्ट भी बिल्कुल उसी तरह से है। अब यहाँ दिया है q का स्क्वायर −10q + 2, अब हमारे पास कोई दो टर्म होगा जो 10q लाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लास्ट वाला देखेंगे, अब इसके आगे तो कोई नंबर नहीं होगा, 1 होगा, ठीक है, 1 होगा, और ये आपका 2 है, 21। तो 21 के फैक्टर्स होते हैं, 21 के फैक्टर्स क्या होते हैं आपके, 3 से पहले 7, 7 से 1, ठीक है, 21 के फैक्टर 3 और 7 होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों तो मिल के आ जाएंगे आपके 21, लेकिन हमें लाना है 10 क्यू लाना है, तो अब हम कैसे लाएंगे इसको, हमें यहाँ पे 10 क्यू लाना है, ठीक है, और यहाँ माइनस है, तो यानी −10 क्यू लाना है। तो हमारे पास दो कौन से नंबर होंगे जो कि हम
यहाँ पे हम ला सकते हैं माइनस टेन क्यूब। तो जब हमारा ये माइनस थ्री होगा और माइनस सेवन होगा, ठीक है, माइनस थ्री और माइनस सेवन होगा तो आ जाएगा आपका, ठीक है, माइनस माइनस होके प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो माइनस टेन क्यू और ये आपका आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, ये क्यू का स्क्वायर एज इट इज़, और यहाँ पे जो दो दो टर्म आएंगे आपके वो क्या आएंगे, एक तो आपका आ गया माइनस सेवन क्यू, ठीक है, इसके साथ क्यू भी हो जाएगा, ये भी क्यू, माइनस थ्री क्यू माइनस सेवन क्यू आपका आ जाएगा माइनस टेन क्यू, ठीक। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, नेक्स्ट आपका होगा ये आपका माइनस थ्री क्यू, ठीक है, थ्री और ये आपका क्यू, ठीक है। अब ये दोनों मिल के आपका माइनस टेन क्यू बना देंगे, तो हमें तो यही करना था, ठीक है ना, प्लस ये टू वन एज इट इज लिखेंगे। अब हमारे पास आ गई है चार टर्म, अब इसमें हम कर देंगे पेयरिंग और फिर अपना कॉमन निकालेंगे। तो अब इसमें क्यू हमारा दोनों में है, ठीक है, तो क्यू को हम कॉमन लेंगे और यहाँ से हमारा बच रहा है एक क्यू बच रहा है और यहाँ से हमारा सेवन बच रहा है, ठीक है, तो माइनस सेवन। अब इसमें से हम कॉमन क्या लेंगे, अब इसमें तो हमें कुछ दिख नहीं रहा है, तो देखिए थ्री वन सा होता है और ट्वेंटी वन के फैक्टर क्या होते हैं, थ्री इंटू सेवन, तो थ्री तो दोनों में आ रहा है, ठीक है, तो हम यहाँ पे थ्री को ही कॉमन लेंगे, थ्री को कॉमन लिया हमने। उसके बाद यहाँ पे हमारे क्या बच रहा है, क्यू बच रहा है और यहाँ से हमारे प्लस सेवन बच रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ देखिएगा, ठीक है, ये आपका दिया हुआ है, यहाँ पे आपको माइनस आना चाहिए, ठीक है, ब्रैकेट में आपका माइनस आना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, माइनस सेवन, ठीक है, ये प्लस माइनस माइनस होता है तो आपका ये माइनस सेवन आ जाएगा, ठीक है, ये आया आपका। अब क्या करना है आपको, अब इसमें हमारा कॉमन आ गया है दोनों, ठीक है, ये इसको हम कॉमन ले लेंगे, दोनों सेम आ गए हैं, तो क्यू माइनस सेवन, ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट में क्यू माइनस थ्री, ठीक है, ये हमने लिख लिया, ये आपका आ गया आंसर, ठीक। अब करते हैं थर्ड वाला पार्ट, थर्ड वाला पार्ट भी उसी तरह से ही है, देखिए पी का स्क्वायर प्लस सिक्स पी माइनस सिक्सटीन। तो अब सबसे पहले आप लास्ट वाले नंबर को देखिए, वो सिक्सटीन है और इसके आगे आपका कुछ नहीं है, तो वन, यानी वन इंटू सिक्सटीन, ठीक है, तो ये सिक्सटीन आएगा। अब इसका फैक्टर करें तो टू एट ज़ा, टू फोर ज़ा, टू टू ज़ा, टू वन ज़ा, ठीक है, इसके फैक्टर आए टू टू ज़ा फोर, फिर ये फोर। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखिए क्या हमारे पास नंबर होगा कि आपका ये सिक्सटीन लाएगा, और क्या कौन सा नंबर जो होगा जो आपका ये प्लस सिक्स पी आएगा, ठीक है, सिक्स पी, ठीक है, तो कैसे आएगा आपका ये। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर होगा आपका, इसमें तो देखिए टू टू जा फोर, फोर टू जा एट, ठीक है, एट आया और एक टू बचा हमारे पास, तो एट टू जा सिक्सटीन आ गया, ठीक है। अब हमें लाना है सिक्स पी, अब इसी नंबर से हमें सिक्स पी लाना है, तो जब अब ये आपका एट पी हो जाएगा, ठीक, और ये जो टू है इसको अगर हम माइनस टू बना दें तो हमारा आ जाएगा सिक्स पी, ठीक है, प्लस प्लस माइनस माइनस कर दिया हमने, ठीक है, एट में से सिक्स टू माइनस हो गया तो आपका सिक्स पी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास दो नंबर मिल गए हमें, ये पी का स्क्वायर एज इट इज़, ठीक, और यहाँ पे प्लस, अब यहाँ पे आपके दो दोनों टर्म आएंगे, क्या आएंगे, एक तो एट पी आएगा, दूसरा आएगा आपका माइनस टू पी, ठीक है, ये आएगा, और ये माइनस सिक्सटीन एज इट इज़ लिखेंगे। अब ये जो पी का, अब हमारे पास दो टर्म आ गई, एक इधर एक इधर, तो अब इसको पेयरिंग कर लिया हमने, तो अब सॉल्व करते हैं। अब इसमें हमारा पी कॉमन है, यहाँ से हमारे पास एक पी बचा और यहाँ से हमारे पास एट बचा, ठीक है, पी पी प्लस एट आ गया। फिर ये अब यहाँ देखिए, अब ये आपका क्या है, इसमें हमारा देखिए टू के फैक्टर होते हैं टू और वन, सिक्स के फैक्टर होते हैं क्या होते हैं टू और एट, तो यहाँ पे टू जो है हमारा दोनों में आ रहा है, यानी हम इसमें टू को कॉमन लेंगे, ठीक है। अभी मैं साइन नहीं लगाऊंगी, साइन आपको बाद में लगाना है, ठीक है, मैं बताऊंगी।
तो अब ये क्या हमारे पास बचा है, यहाँ से p बच रहा है और यहाँ से हमारा 8 बचा, ठीक है। और यहाँ पे हमारा देखिए यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाता है आपका प्लस, ठीक। और यहाँ पे क्या साइन लगेगा, यहाँ पे आपका माइनस का साइन लग जाएगा, ठीक। तो ये आपका आया। अब ये जो पी प्लस एट, पी प्लस एट आ गया हमारा, अब इसको हम लिख लेते हैं कॉमन में, पी प्लस एट, पी प्लस एट, और फिर यहाँ पे पी बचा और यहाँ से माइनस टू बचा, आ गया हमारा। बहुत ईजी है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था, तो इसे हमने कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।